नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं का जो हिंदी का वार्षिक पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप सभी दोस्त जल्दी से इस क्लास में जुड़ जाइए, इस पेपर का मैं पूरा सॉल्यूशन आपको करवाने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव के साथ सभी क्वेश्चन का हल, जो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसके भी उत्तर आपको मिलेंगे। पूरा 80 नंबर का पेपर हिंदी का जो आपका पेपर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो जल्दी से सभी दोस्तों को एक बार इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। हायर सेकेंडरी स्कूल मुख्य परीक्षा 2023 हिंदी का पेपर का पूरा सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, यही पेपर इस प्रकार से हर परीक्षा में हर बार ये क्वेश्चन आते हैं, और ये जो पेपर बताने वाला हूँ आप लोगों का पूरा पेपर बनेगा। वार्षिक परीक्षा 2023 2 मार्च का आपका जो पेपर होने वाला है साथियों, पूरा फंसेगा यहाँ से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हो सके तो वीडियो को अपने सभी भाई बहनों को शेयर कर देना। चलिए, अब बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं और पूरा सॉल्यूशन इस पेपर का देखते हैं। क्वेश्चन क्रमांक पहला, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, कवि किसका भार लिए फिरता है। कवि किसका भार लिए फिरता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जग जीवन का भार लिए फिरता है। राइट आंसर आप इसको लगा लेंगे। लगा लिया सभी ने? हाँ, जो दोस्त डेली लाइव क्लास में जुड़ता है, कौन कौन जुड़ता है कमेंट बॉक्स में बताइए भैया। लाइव क्लास आप लोगों के लिए हिंदी कक्षा 12वीं की 2 मार्च के लिए स्टार्ट हो चुकी है, और महामैराथन क्लास के लिए आपको टाइम बताना है। ठीक है सभी स्टूडेंट्स, महामैराथन क्लास आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। रिवीजन सुपर फास्ट रिवीजन आपका हो जाएगा। तो कौन कौन दोस्त रोज़ लाइव क्लास में जुड़ते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइएगा। डेली हिंदी का एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं। दूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियां हैं, तो ये जो पंक्तियां हैं आपकी, ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाजार कब जाना चाहिए। बाजार कब जाना चाहिए, जब मन खाली हो, जब मन खाली ना हो, जब मन अच्छा हो, जब मन अच्छा ना हो। तो जब मन खाली ना हो हमें क्या करना चाहिए, बाजार जाना चाहिए। बा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, लुप्टन पहलवान ने हराया था। बताइए मुझे, लुप्टन पहलवान ने किसको हराया था। ऑल स्टूडेंट, जितने भी हमारे क्लास ट्वेल्थ वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए विद्यार्थियों, बहुत कम स्टूडेंट्स लाइव क्लास में जुड़े हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप जल्दी से शेयर कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास में हमारे जुड़ना चाहिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और घंटी के बटन को ऑल पर करना है। चलिए स्टूडेंट्स, तो लुप्टन पहलवान ने हराया था चांद सिंह को, चांद सिंह को हराया था। अगला क्वेश्चन है, जूझ पाठ के लेखक हैं, जूझ पाठ के लेखक कौन है। तो जूझ पाठ के जो लेखक है, बताइए मुझे कौन है, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको कम से कम 3 से 4 बार करवा चुका हूँ। तो अभी मैं, आनंद यादव है, मनोहर श्याम जोशी है, ओम थानवी है, विष्णु खरे है, ठीक है। तो जूझ पाठ के लेखक कौन है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ऑल स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। पूरा पेपर का सोल्यूशन आपको मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, विजुअल नेट बाइट ये टीवी पर प्रसारित होने वाले खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है, उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आप लोगों को मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आंसर दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन करके कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका, बच्चे में होंगे, बच्चे किस में होंगे, बताइए। पहले ही पाठ से खाली स्थान बना है, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, बच्चे होंगे प्रत्याशा में, प्रत्याशा में बच्चे होंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भक्तिन का वास्तविक नाम था, तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, बताइए मुझे क्या था, इंतजार कर रहा हूँ मैं आपके जवाब का। तो भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मीन, लक्ष्मीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोंदल गेकर मास्टर पढ़ाने आते थे, तो सोंदल गेकर जो मास्टर थे वो क्या पढ़ाने आते थे, वो आते थे मराठी, क्या पढ़ाने आते थे मराठी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए, नाटक में पात्रों की संख्या कैसी होना चाहिए, मतलब कितनी होना चाहिए, कम या अधिक, तो नाटक में पात्रों की संख्या होना चाहिए अधिक, अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वो है उत्साह, उत्साह। वीडियो पसंद आया हो तो साथियों लाइक जरूर करिएगा, अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार आगे भी अपडेट मिल सके। और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वो कहलाते हैं मात्रिक छंद, आप सभी जानते हैं जिनमें मात्राओं की गणना तो मात्रिक छंद, जिनमें वर्णों की गणना तो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नभ का अर्थ है, नभ का अर्थ है आकाश, क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जोड़ी के रूप में, जोड़ी के रूप में क्वेश्चन देखेंगे। बात की चूड़ी मर जाना, बात की चूड़ी मर जाना, तो बात का प्रभावहीन हो जाना, पहला आपका ये नंबर डला है, ठीक है। नेक्स्ट, अवधूत, अवधूत कहा गया है सिरिस के फूल को, सिरिस के फूल को अवधूत कहा गया है। सिल्वर वेडिंग, सिल्वर वेडिंग को आप यशोधर बाबू से मिला दोगे, मिलाते चलिएगा, ठीक है, गलती नहीं करना, किसी प्रकार की नंबर डला है। और कहानी का केंद्रीय बिंदु, कहानी का जो केंद्रीय बिंदु होता है वो नंबर चार कथानक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं होती है, और तत्सम, तत्सम संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, ये जोड़ी हो गई, गलती तो नहीं कर रहे हैं किसी प्रकार की। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ बहुत ही अच्छे अंक आप प्राप्त करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उषा का जादू कब टूटता है, तो उषा का जादू कब टूटता है विद्यार्थियों, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सूर्य उदय पर, जब क्या हो जाता है, सूर्य उदय होता है उषा का जादू टूट जाता है, सूर्योदय, ये लिख देना सूर्योदय, उषा का जादू कब टूटता है, सूर्योदय पर। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, तो पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, यहाँ पर आंसर हो जाएगा दो, दो उसके पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, बताइए सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, मेरे को इंतजार कर रहा हूं मैं आपके क्वेश्चन का। जो हमारे टॉपर की लिस्ट में आने वाले स्टूडेंट है हमारे टॉपर, टॉपर जो जो है, जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं, क्वेश्चन बिल्कुल सरल पूछता हूं, अगर उस क्वेश्चन का भी आप जवाब नहीं देते हैं तो फिर गलत बात है, बता दीजिए मुझे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, ठीक है, यहाँ पर जो आंसर लिखा है उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछ कर रहूँगा, और जिसको पता है कमेंट कर दो, जिसको पता नहीं है कमेंट बॉक्स में देख लो, हमारे टॉपर जो हैं वो आंसर दे रहे हैं इसका, वो पढ़ लेना, अगर उनका सही होगा तो मैं आपको बता दूंगा। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि जो होनी चाहिए वो 15 से 30 मिनट की होना चाहिए, ठीक है, 15 से कितने मिनट की, 30 मिनट की होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द गुण जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, जरा कौन कौन से होते हैं मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, शब्द गुण तीन प्रकार के तो होते हैं लेकिन उनका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा घर का कर लेना, दूसरा घर कर लेना मुहावरे का क्या अर्थ है, दूसरा घर कर लेना मुहावरे का अर्थ है, बताइए मुझे, जल्दी से बता दीजिए मुझे, दूसरा घर कर लेना
जल्दी से आंसर दीजिए मुझे। दूसरा घर कर लेने का जो मुहावरा है, इसका अर्थ होता है किसी भी काम को करने के लिए दूसरा तरीका खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। इतना हो चुका है, अब देखेंगे हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य सत्य हैं। ठीक है, यहाँ पर परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, तो यहाँ पर सत्य हो जाएगा। पहला वाला क्या हो जाएगा आपका? सत्य लिखेंगे आप क्या? सत्य। दूसरा है सिरिस का पुल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए, बताइए, जल्दी से मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, जल्दी से बता दीजिए, जवाब देना है आप लोगों को। तीसरा वाला सत्य है या असत्य है? क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, नीचे वाले क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन फिर आप लोगों के लिए है, यहाँ पर तीसरा जवाब दीजिए मुझे, सत्य आएगा या असत्य? जितने भी ट्वेल्थ वाले जुड़ रहे हैं बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। और कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, ये आपका सत्य हो जाएगा। एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। और करुण रस का स्थायी भाव रति है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। और प्रिया बहुत बातूनी है, मैं बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्रमांक 3 का उत्तर आप दे दीजिए, जल्दी से दीजिए मुझे, देखता हूँ कौन कौन देता है। और टॉपर बनना है, रच्चे अंक प्राप्त करना है, तो अब इन क्वेश्चनों को याद कर लेना। बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जो आपके होने वाले पेपर 2 मार्च में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन पूरे छपेंगे, आपको बताया जा रहा है बार बार, इनको पढ़ लीजिए, साथ ही साथ इनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ईश्वर के अनेक नाम, अनेकों नाम है, तो इसके सही क्या हो जाएंगे? यहाँ पर लिख दो अनेक, ईश्वर के अनेक नाम है। और मुझे केवल मात्र 20 रुपये चाहिए, यहाँ से क्या हटा दो? केवल हटा दो, मुझे मात्र 20 रुपये चाहिए, सही हो गया। यहाँ पर अनेक लिख दो या केवल हटा दो, सही हो गया। और सीरीज के अगला क्वेश्चन, सीरीज के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, प्रश्नवाचक बनाना है वाक्य, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? क्या सीरीज के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, और पीछे क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क, हो गया। अगला, 15 वर्ष बीत गए, आश्चर्य सूचक, यहाँ पर आगे लिखो अरे, अरे 15 वर्ष बीत गए, ये बन गया वाक्य। ठीक है, इसके आगे लिख दो, 15 के आगे क्या लिख दो? अरे, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दो, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी घबराएं नहीं, पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलने वाला है आपको, उत्तर सहित। ये क्वेश्चन पेपर है आपका, उसके बाद यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20वां 21वां। साथ ही साथ अब देखिए मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये रहा हमारा 22वां और 23वां। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं इसका पूरा सॉल्यूशन, देख लीजिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर हमने 1 से लेकर कहां तक देखा? 23 तक, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब आपको इन प्रश्नों में से 1 से लेकर 5 तक तो मैंने सॉल्यूशन करवा दिया आपको, अब बचा हमारा कहाँ से? 6 से लेकर 23 तक। अब 6 से लेकर 23 तक में जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको याद नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं बताऊं, तो आप मुझे कमेंट कर देना कि सर क्वेश्चन नंबर 7 मुझे समझ नहीं आया, आप सेंड करिए, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं आया, 9 नहीं आया, 10 नहीं आया, कौन सा जो भी नहीं आया आप मुझे कमेंट कर देना, मैं तुरंत आपको उत्तर सेंड कर दूंगा। और यदि आप स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने स्टूडेंट, अपने सभी भाइयों को, अपने सभी बहनों को
इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स पूरा का पूरा पेपर आपका बनेगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी के बटन को ऑल पर करिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत करके वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाता है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन से ज़िले से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।